बागपत से बड़ी खबर के साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष के मनचले बेटे का आतंक है। यहां पर मनचले बेटे के डर से दलित किशोरी ने खुद को घर में कैद कर लिया है। बेलगाम बेटे की दबंगई और गुंडागर्दी ने उड़ाई है परिवार की नींद। मनचले से परेशान छात्रा घर में कैद हो गई है। परिवार के विरोध करने पर जमकर की है पिटाई। पीड़ित परिवार का बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय बेटे के आरोप है। संजय खोखर के बेटे अक्षय खोखर पर छेड़खानी का आरोप है। हर रोज घर में आई लव यू लिखी प्रेम भरे पर्चियां फेंकता है। अश्लील हरकतें और जान से मारने की धमकी देने का भी इस पर आरोप है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दबंग बीजेपी नेता के आगे पुलिस भी नतमस्तक हुई है। बीजेपी नेता के बेटे की दबंगई की वजह से छात्रा ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। स्कूल छोड़ पीड़िता ने घर में खुद को कैद किया है। बागपत के छपरौली गांव का यह मामला। बागपत से बड़ी खबर, बीजेपी के नेता के बेटे की गुंडागर्दी और पुलिस नतमस्तक। क्योंकि 6-7 दिन से हमारे यहाँ पे चिट्ठी आ रही है, इसलिए घबराहट की वजह से मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। कौन लोग है चिट्ठी डालने वाले? ये पता नहीं चला अभी तक। तुम्हारे पापा के साथ मारपीट हुई थी, कौन लोग आए थे? 3 लड़के थे, अक्षय कुकर, आशीष, विपिन। अक्षय कुकर जो है ये कौन है? ये बीजेपी अध्यक्ष का लड़का है। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वो लड़का है कौन। छेड़छाड़ नहीं, लेटर फेंकने का मामला है, छेड़छाड़ का मामला नहीं है। तो उनके घर के बाहर जो लेटर मिला आई लव यू, और उस पर जो है केस रजिस्टर्ड हुआ है, और केस रजिस्टर्ड होकर उस पर विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सलमान हैदर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सलमान, क्या FIR लिखी जा चुकी है, और अगर लिखी जा चुकी तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? जी विकास, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी पार्टी छात्रा और महिलाओं बहु बेटियों के सम्मान को मुद्दा बनाकर सरकार में आई थी, उसी सरकार में उसके नुमाइंदे और उनके बेटे बहु बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी सत्ता के दबाव में काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी बागपत के जिला अध्यक्ष के बेटे जो है पुलिस के गिरफ्त में होते हैं। छात्रा का आरोप है कि उसको आए दिन वो परेशान करते हैं और घर से निकलने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके पास पर्चियां। सलमान हैदर, जब पर्चियां फेंक रहा है वो लड़का, आई लव यू लिख रहा है, हर रोज परेशान कर रहा है छात्रा, घर से निकल नहीं पा रही है, तो और क्या चाहिए फिर सबूत? जी बिल्कुल, हमारी जैसे बात हुई वहाँ पर इंस्पेक्टर से बात हुई और संबंधित अधिकारियों से बात हुई तो वो सत्ता के दबाव में बिल्कुल भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन पर सत्ता का दबाव इतना जबरदस्त है, चूंकि वो इतना डर रहे हैं, चूंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ मामला है। संजय खोखर एक बीजेपी के यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है और वो उनके बेटे पर आरोप है अक्षय पर, उसके साथियों पर। अक्षय जब उन्होंने विरोध किया पीड़िता के बाप ने, तो अक्षय ने उसकी जबरदस्त पिटाई की और पिटाई करने के बाद उनको आत्महत्या हालत में छोड़कर भग गए। और पीड़ित ने जब थाने में जाकर तहरीर देने के बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज की, तो भी उसके बाद पुलिस अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। एक मामूली धाराओं में कह रहे हैं कि लेटर फेंका है और कोई छेड़छाड़ जैसा आरोप नहीं है। एक मारपीट का हल्की सी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी तक कोई भी कार्रवाई की नहीं गई है। जी विकास, और सलमान ये धमकी भी दे रहा है क्या परिवार को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसने का अक्षय का कहना ये, अक्षय ने जब लेटर फेंकने के बाद उसके पिता ने देख लिया, तो पिता को देखने के बाद पिता ने उसको विरोध किया, तो अक्षय ने जो बीजेपी जिला अध्यक्ष का बेटा है और उसके साथियों ने उसके पिता को बुरी तरीके से मारा और कहा कि जान से मार दिया जाएगा अगर पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने 2-3 दिन तक तो शिकायत नहीं की, लेकिन फिर हौसला करने के बाद शिकायत करने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित छात्रा डर के साए में, खौफ के साए में जो थाने जो अपने घर के अंदर बंद हो गई है, स्कूल भी नहीं जा रही है और बुरी तरीके से सहमी डरी हुई है। जी सलमान, एक बार बताइए बीजेपी के लीडर कौन है बड़े वहाँ, ये उनका बेटे का नाम क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये बीजेपी के लीडर हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष संजय खोखर, उनका बेटा है अक्षय खोखर। और अक्षय खोखर पर आए दिन इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कई आरोप ऐसी छेड़खानी के लगे थे। इनका बेटा मनचले किस्म का टाइप का लड़का है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब इस छात्रा से छेड़छाड़ करता था। सलमान, इतिहास छेड़खानी का है, लड़कियों पर फप्तियां कसता है, जिस घर में मनाता है वहां पर्चियां डाल देता है, आई लव यू लिख देता है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो फिर अब सवाल ये है कि पीड़ित करे क्या है? किसी बड़े अधिकारी से मिली है ये पीड़ित लड़की?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पीड़ित परिवार जो था ये एसएसपी ऑफिस भी आया था, संबंधित अधिकारियों से भी मिला था, लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काटने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुखे इंस्पेक्टर का साफ साफ कहना यह है कि छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई थी, एक मामूली इनके दोस्तों ने लेटर फेंक दिया था और मामूली रूप से झगड़ा हुआ। मतलब ये पुलिस मान रही है कि लेटर फेंक दिया था? जी बिल्कुल, हमारी जैसे और इसके बावजूद भी पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर, छेड़खानी जैसी घटना से इनकार कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विकास पुलिस जो है बागपत की बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, किसी काम की नहीं रही है। चूंकि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद मैं आपको बता दूं, इससे पहले ही अभी एक मामला हुआ है जहां पर दबंगों ने एक छेड़छाड़ के विरोध में एक युवक को भी बुरी तरीके से पीटा था। पीटने के बाद उस युवक की मौत हो गई। मौत होने के बाद अभी दबंग जो है उस पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, और पीड़ित जो है पलायन करने की चेतावनी दे रहा है उस गाँव से। पीड़ित परिवार ने अपनी बहू बेटियों को निकालकर कहीं और भेज दिया है, उस पर भी कार्रवाई नहीं गई। तभी दूसरा मामला आज ही ये आ जाता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ, लेकिन बीजेपी से जुड़ा हुआ होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी क्या सलमान हैदर, इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार बड़े अधिकारी तक पहुंचा या आपकी बातचीत हुई है इस केस को लेकर के, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो पुलिस के अधिकारी इस मामले को लगातार दबाने पर जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से कोई सही सा जवाब नहीं दे रहे हैं। चूंकि ये पुलिस का रवैया है बागपत में। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके बेटे पर गंभीर आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान।